Hello kids, welcome to your social studies class with your mentor Aparajita. And children, today we are going to start unit 3 of our book Jelly Bean Journeys in Social Studies class 4 by Brain Root series. And the chapter we are going to do today is chapter number 13 of unit 3. Unit 3 is our transport and communication system. And chapter name is Transport and Communication. Transport ka matlab yatayat ke sadhan aur communication ka matlab baatcheet karne ke sadhan. So, the sum and substance means the topics we are going to cover in this chapters, in this chapter, they are need for transport. Transport ki matlab yatayat ke sadhan ki kyun zarurat padi? Means of transport. कौन कौन से हैं यातायात के साधन? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, देन कम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, इंटरनेट. सो लेट्स स्टार्ट इट चिल्ड्रन. व्हाट इज दिस? दिस इज अ पजल. ओके, यू हैव टू सर्च फ्रॉम दिस. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ फाइव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड फाइव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हिडन इन द वर्ड सर्च. ये एक वर्ड सर्च है, एक पजल टाइप है. इसमें क्या छुपे हुए हैं? ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नेम्स और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम. ट्रांसपोर्ट का मतलब यातायात के साधन और कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करने के साधन. सो लेट्स सर्च इट आउट. फ्यू ऑफ देम आई विल सर्च. मैं थोड़े से सर्च करूंगी, आफ्टर दैट यू हैव टू सर्च इट योरसेल्फ. ओके, so let's see, are we able to find out something from here? See, METRO, what is this? Metro. Metro kya hai? Means of transport. Okay, so anything else? Yes, I am able to see something here. Boat, B-O-A-T, boat. This is also mode of transport. Then anything else? Yes, here only the ship. Ship, mode of transport. And anything else? T-R-U-C-K, truck. This is also mode of transport. So I have found 1, 2, 3, 4. Char mode of transport maine dhoon liye hain. And one more mode of transport you will search, okay? क्योंकि फाइव सर्च करने हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक और आप सर्च करेंगे. ओके, नाउ लेट्स सर्च फॉर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. टेलीविजन होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन मोबाइल फोन्स आर देयर एंड इंटरनेट इज देयर. सो हियर टी ई एल ई वी आई एस आई ओ एन, टेलीविजन. Fine children, one more, M-A-I-L, E and mail, email. Fine, and rest you have to find out. So let's start with the chapter here. The need for humans to move from one place to another, to transport goods, to stay in touch with each other and to share thoughts led to the invention of vehicles and various means of communication. इंसान को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की ज़रूरत पड़ती थी, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लेके जाने की, सामान लेके जाने की ज़रूरत पड़ती थी. फिर एक दूसरे से बातचीत करना भी ज़रूरी था, एक दूसरे के टच में रहना ज़रूरी था और अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी था. इसी कारण क्या हुआ? व्हीकल्स इन्वेंट हुए, व्हीकल्स का इन्वेंशन हुआ और अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने के तरीके, जो अलग अलग तरीके हैं, उनका इन्वेंशन हुआ. Since then, humans have improved on the modes of transport and means of communication. और उसके बाद humans ने means of communication और modes of transport में बहुत improvement किया. Today, different means of transport like roadways, railways, waterways and airways are available that have made traveling faster, easier and more comfortable. और at present, जो roadways है या railways है, waterways है, airways है, इसमें बहुत तरक्की हुई है. अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बने हैं और जिससे कि क्या हो गया है, ट्रैवलिंग
तेज़ हो गई है और इजी भी हो गई है और बहुत कंफर्टेबल भी हो गई है. इंटरप्रिटेशन, मैनी मैनी ईयर्स अगो ह्यूमन्स कुड नॉट वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन द व्हील वॉज इन्वेंटेड. दिस इन्वेंशन मेड इट ईजियर एंड फास्टर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पहले क्या होता था, बहुत सालों पहले ह्यूमन्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर चल के नहीं जा सकते थे. तो उसके बाद किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, पहिए का इन्वेंशन हुआ, जिसने कि बहुत ईजी बना दिया लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. नीड फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी. ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकॉनमी ऑफ अ कंट्री. कंट्री किसी भी कंट्री के इकॉनमी में जो ट्रांसपोर्ट है उसका वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे नीड रॉ मटीरियल्स टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स. अब इंडस्ट्रीज क्या है, अलग अलग पार्ट्स में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई हैं. तो अब उनको क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ना कि रॉ मटेरियल से ही फिनिश गुड्स बनते हैं, तो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उनको जिससे कि वो फिनिश गुड्स बना सकें. एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नीडेड फॉर बोथ कैरिंग रॉ मटेरियल्स टू द इंडस्ट्रीज एंड सेंडिंग फिनिश गुड्स टू डिफरेंट मार्केट्स. अब एक एफिशिएंट बहुत अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है. क्यों, क्योंकि जो रॉ मटेरियल आता है इंडस्ट्री में उसको भी लाने के लिए ज़रूरत होती है, और जो फिनिश गुड्स बन जाते हैं जब इंडस्ट्री बना लेती है वो फिनिश गुड्स उस रॉ मटेरियल से, तो उन फिनिश गुड्स को मार्केट में भी ले जाने की ज़रूरत पड़ती है. सी बुलक कार्ट, अ ट्रक कैरिंग गुड्स, दीज आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इन द 16th सेंचुरी ह्यूमंस रियलाइज दैट स्टीम शुड कुड बी यूज एज अ फ्यूअल. 16th सेंचुरी में ह्यूमंस ने रियलाइज़ किया कि जो स्टीम है ये एक फ्यूल के तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. सो दे यूज्ड स्टीम टू रन ट्रेन्स एंड शिप्स. तो स्टीम का यूज़ उन्होंने शिप्स चलाने के लिए किया और ट्रेन्स चलाने के लिए किया. दे बर्न्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल टू प्रोड्यूस स्टीम. अब ये स्टीम कैसे पैदा होता था, बहुत बड़े अमाउंट में कोयला जला के स्टीम पैदा करते थे. Steam not only helped to travel longer distances but also helped vehicles to move faster. अब steam से क्या हुआ, easy तो हो ही गया एक जगह से दूसरी जगह, बहुत long distances पे जाना easy हो गया, और इससे vehicles fast भी move करने लगे, जल्दी भी पहुँच सकते थे. Means of transport. India has a well developed system of road, rail, air and water transport. इंडिया में ये सभी चीज़ें बहुत वेल डेवलप्ड है. डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस एंड कॉस्ट, एनी वन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज्ड टू रीच अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. किसी एक डेस्टिनेशन पे, एक जगह पे पहुंचने के लिए या तो दो तीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जा सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या किसी एक ट्रांसपोर्ट से ही उस जगह पे पहुंचा जा सकता है. रोडवेज, India has a very large network of roads. India में बहुत large number पे roads का network है. They are an important means of transport in a country. और एक country में ये बहुत important means of transport है. Roads help in maintaining connectivity between places. एक जगह को दूसरे जगह से connect करती है ये roads. Sometimes bridges over rivers and tunnels through mountains have to be built to connect places. और कभी कभी क्या करना पड़ता है, rivers के ऊपर से bridges बनाने पड़ते हैं या tunnels, mountains में tunnels बनाने पड़ते हैं एक जगह को दूसरी जगह से connect करने के लिए. Roads in towns and cities are metalled. ये metalled होते हैं जो roads हैं towns और cities के. These are permanent or pakka roads made out of materials like cement and tar. And can be used round the year. और ये जो roads बनती हैं, ये roads कैसी होती हैं, पक्की roads होती हैं बिल्कुल. इसमें cement और tar का use किया जाता है जिससे कि ये road बिल्कुल पक्की बन जाती है, permanent हो जाती है, और ये पूरे साल आराम से use की जा सकती है.
Unmetalled roads are temporary or kaccha roads made of mud and materials that are not very long lasting. अब unmetalled roads कौन से होते हैं जो कि temporary use के लिए बनाए जाते हैं, mud से बनाए जाते हैं और कुछ ऐसे material से बनाए जाते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक नहीं चलती हैं. Such roads are difficult to travel on and get washed away during rainy season. और ये जो कच्चा रोड्स होती हैं, अनमेटल रोड्स होते हैं, ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती हैं और इन पे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल भी होता है क्योंकि ये जब बारिश होती है हैवी रेन्स में ये वॉश आउट हो जाती हैं. द गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरियस स्टेप्स टू इंक्रीज द रोड कनेक्टिविटी एंड टू प्रोवाइड इम्प्रूव्ड रोड्स. अब गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है जिससे कि ये रोड कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाए और ज़्यादा हो जाए ये कनेक्टिविटी रोड्स की और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए इन रोड्स में. नेक्स्ट इज़ द हाईवेज. अभी पढ़ा हमने रोडवेज, अब इसी में हाईवेज. रोड्स दैट कनेक्ट इम्पॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज आर कॉल्ड हाईवेज. जो रोड्स टाउन्स और सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं उन्हें कहा जाता है हाईवेज. हाईवेज आर ऑफ टू काइंड. अब हाईवेज भी दो तरह के होते हैं. नेशनल हाईवे NH, दे कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स, बिग सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस द कंट्री. पूरे कंट्री में, पूरे देश में ये जो नेशनल हाईवेज होते हैं ये स्टेट कैपिटल्स, बड़े सिटीज और टाउन्स को कनेक्ट करते हैं. दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और इनको बनवाती कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाती है और मेंटेनेंस भी वही करती है. The longest highway of India is constructed from Srinagar in the north to Kanyakumari in the south. अब जो longest, सबसे लंबा highway है India में वो है श्रीनगर से शुरू होता है, north के में श्रीनगर से start होके south में कन्याकुमारी तक जाता है और उसको क्या कहा जाता है? It is called the NH-44, the longest highway, NH-44. Fine, look, this is the national highway. State highways. अब दो तरह के होते हैं ना highways. एक national highway तो पढ़ लिया अभी आपने, अब हम पढ़ेंगे state highways. These are the roads that link important cities, towns and districts within the state and connect them with national highways or highways of neighboring states. अब ये स्टेट हाईवेज़ क्या होते हैं? ये वो रोड्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट सिटीज़ और टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट्स को स्टेट के अंदर ही लिंक करते हैं, ओके, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से और फिर उसको कहाँ कनेक्ट करते हैं? उसको कनेक्ट करते हैं नेशनल हाईवे से या उन हाईवे से जो नेबरिंग स्टेट्स के हाईवेज़ हैं. रिसेंटली वेरी वाइड नेशनल सुपर हाईवेज़ हैव बीन बिल्ट कनेक्टिंग 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ आर कंट्री. अभी रिसेंटली बहुत वाइड नेशनल सुपर हाईवे बनाया गया है, सुपर हाईवेज बने हैं. किसको कनेक्ट करते हैं वो? दे कनेक्ट द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ आर कंट्री. और वो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. दिस इज कॉल्ड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. और ये जो सुपर हाईवेज बने हैं जो कि इन चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं उन्हें कहा गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. फाइन, नाउ कम्स द रेलवेज. रेलवेज इज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडली स्प्रेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. बहुत सस्ती है ये सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और बहुत वाइडली स्प्रेड है. In 1853, the British introduced railways in our country. Britishers ने railways का introduce किया था, railways को हमारी country में 1853 में, and ran the first train, जो पहली train चली थी between Bombay and Thane. Okay? Earlier trains were run by steam engines. पहले तो ये trains steam engines से चलते थे. These days they run on electricity. और अब जो trains चलती हैं वो किससे चलती हैं? Electricity से. Trains are of two types. अब trains दो तरह की होती हैं, passenger trains and goods trains. Passenger trains carry people from one place to another. Many of you,
सभी बैठे होंगे ट्रेन्स में, तो ट्रेन क्या करती हैं, जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं। गुड्स ट्रेन कैरी गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स कोल एंड पेट्रोलियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जो गुड्स ट्रेन होती हैं वो ये सब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं। द मेट्रो रेल हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन कोलकाता एंड दिल्ली। कोलकाता और दिल्ली में जो मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं, मेट्रो रेल है, इसने एक रेवोल्यूशन लाई है अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। फाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस नेटवर्क इज टेकिंग प्लेस इन सिटीज लाइक मुंबई एंड बेंगलुरु ऑल्सो, और मुंबई और बेंगलुरु में भी ये मेट्रो रेल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। सी, वंदे भारत एक्सप्रेस द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस, एंड दिस इज द दिल्ली मेट्रो रेल। इंटरप्रिटेशन, अबाउट 1.5 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड बाय इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज ने नियर अबाउट 1.5 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। नाउ द वाटरवेज, ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट कवर्स बोथ स्मॉल डिस्टेंस अक्रॉस रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड लार्ज डिस्टेंसेज अक्रॉस ओशंस एंड सीज। अब वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर करती है अक्रॉस रिवर्स स्ट्रीम्स और लार्ज डिस्टेंसेज जैसे कि ओशंस को पार करना है या सीज को, वो भी कवर करती है। Big rivers like Ganga, Brahmaputra and Yamuna are also used for transporting people and goods. In rivers ka use kiya jata hai for transporting, logon ko transport karne ke liye aur goods ko transport karne ke liye. This is called inland water transport. Aur ise kaha jata hai inland water transport. The inland waterways in lagoons have boats and steamers which transport people and goods. Ab ये जो इनलैंड वाटरवेज है इन लगूंस में, वहाँ बोट्स होती हैं और स्टीमर्स होती हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। इनलैंड एरियाज आल्सो यूज दिस फैसिलिटी। शिप्स आर बिग बोट्स एंड इंजन्स। अब शिप्स क्या होती है? बड़ी बोट्स होती है, बड़ी बोट्स को कहा जाता है शिप। शिप्स दैट कैरी पीपल आर कॉल्ड पैसेंजर शिप्स। जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है जो शिप, उसे कहा जाता है पैसेंजर शिप। शिप्स दैट कैरी गुड्स आर कॉल्ड कार्गो शिप्स। और जो गुड्स लेके जाती हैं, जो शिप्स एक जगह से दूसरी जगह पे, उन्हें कहा जाता है कार्गो शिप्स। शिप्स दैट कैरी पेट्रोलियम एंड ऑयल आर कॉल्ड टैंकर शिप्स। और जो शिप्स पेट्रोलियम या ऑयल लेके जाती हैं, उन्हें कहा जाता है टैंकर शिप्स। Fishermen use boats for fishing. Ferries take people across rivers daily. और जो ferries होती हैं, देखिए ये है ferry. ये ferries क्या करती हैं? लोगों को river के एक end से दूसरे end पे लेके जाती हैं. Daily ही ferries चलती हैं. Nowadays there are very luxurious ships called cruise ships. और आजकल बहुत लग्जरी वाली शिप्स भी हैं जिन्हें क्रूज कहा जाता है, क्रूज शिप्स। पीपल गो फॉर अ हॉलीडे ऑन क्रूज शिप्स। लोग अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं इन क्रूज शिप्स पे। शिप्स कैन सेल ओनली इन डीप वाटर, दस सीज हैव लार्ज हार्बर्स एंड पोर्ट्स। अब शिप्स शैलो वाटर में तो नहीं सेल कर सकती, वो डीप वाटर में सेल करती हैं, इसलिए जो सीज हैं, समुद्र हैं, वहाँ बड़े बड़े हार्बर्स और पोर्ट्स हैं। Some of the important ports in the country include Mumbai, Kandla, Chennai and Kolkata. जो इंडिया में जहाँ जहाँ important ports हैं हमारी country में, वो है Mumbai, Kandla, Chennai and Kolkata. Interpretation: There are 13 major seaports in India. Mumbai is India's biggest port. Mumbai जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा port है. Now let's read about the airways. Airways are the fastest and the most expensive mode of transport. सबसे fast mode of transport है और सबसे ज़्यादा महंगा भी है.
ऑल मेजर सिटीज हैव एन एयरपोर्ट, सारे मेजर सिटीज जो हैं उनमें वहाँ पे एक एयरपोर्ट है. डिस्पाइट बीइंग एक्सपेंसिव द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय एयर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. महंगा है ये ज़रूर, लेकिन रोज इसमें क्या हो रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं जो कि एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं. बोथ हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन्स आर यूज टू कैरी पैसेंजर्स. हेलीकॉप्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं पैसेंजर्स को ले जाने के लिए और एरोप्लेन्स भी. दे आर ऑल्सो यूज टू ट्रांसपोर्ट मेल एंड रिलीफ आइटम्स सच एज फूड, मेडिसिन, वाटर एंड अदर एड मटीरियल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ नेचुरल कलामिटीज. अब ये जो एरोप्लेन्स का यूज़ किया जाता है, एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का, वो मेल ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है या आइटम्स ले जाने के लिए जब नेचुरल कलामिटी होती है कहीं पे, वहाँ पे उनको जब जो जो आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ एयरलाइंस. अब एयरलाइंस दो तरह की होती हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. डोमेस्टिक एयरलाइंस इन इंडिया कनेक्ट स्टेट्स विद वन अनदर. जो डोमेस्टिक एयरलाइंस होती हैं वो स्टेट्स को कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से. अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइंस कनेक्ट इंडिया विद अदर कंट्रीज. और जो इंटरनेशनल एयरलाइंस होती हैं वो इंडिया को दूसरी कंट्रीज से कनेक्ट करती हैं. एयर ट्रैवल इन इंडिया इज ऑफर्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एयरलाइंस. और ये जो एयरलाइंस हैं वो गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ इन न्यू दिल्ली एंड छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ इन मुंबई आर टू ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन आर कंट्री. हमारी कंट्री के दो जो सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट्स हैं वो हैं इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई. सी दिस इज the Indira Gandhi International Airport in New Delhi. Many of you must have gone also. So, this is India's map, the airways and the sea routes. Yahan pe airways aur sea routes dikhaye gaye hain is map. Interpretation, first air transport was started in India in 1911. 1911 mein pehla एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ था इंडिया में. नाउ वी कम टू कम्युनिकेशन. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. पहले हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है. कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज, व्यूज, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एटसेट्रा विद वन अनदर. कम्युनिकेशन का मतलब होता है आइडियाज़ शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, फैक्ट्स शेयर करना एक दूसरे के साथ. नाउ डेज वी हैव मेनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच हेल्प्स अस इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस. आजकल बहुत सारे अलग अलग तरीके के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जिससे कि हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं. The different means of communication used by us in everyday life are discussed below. अब हम डिस्कस करेंगे उन means of communication के बारे में जो कि हम अपने day to day life में use करते हैं. Postal service. पहला आता है postal service. The postal service is perhaps the most common and the cheapest means of communication. सबसे सस्ता means of communication है postal service और बहुत common भी है. India has the largest postal network in the world. पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो पोस्टल नेटवर्क है वो इंडिया का है. पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, एनवलप्स एंड पोस्टेज स्टैम्प्स आर अ फ्यू थिंग्स वी नीड टू कम्युनिकेट थ्रू दिस मीन्स. वेरी अर्जेंट मैसेजेस कुड बी सेंड थ्रू द नेबरहुड पोस्ट ऑफिस. द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज वैन्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स help to carry letters and parcels to places inside as well as outside the country. और अलग अलग means of transport जैसे van, trains, aeroplanes का use किया जाता है letters और parcels को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए within the country या outside the country. Next is the telephone. Telephone is the quickest and most direct means of communication.
अवेलेबल टुडे. आजकल जो सबसे जल्दी और सबसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने वाला साधन है वो है टेलीफोन. द कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन इज कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन. और इसके द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है टेलीफोन के द्वारा उसे कहा जाता है टेली कम्युनिकेशन. दिस इज अ टेलीफोन, दिस इज अ स्मार्टफोन विच वी ऑल यूज नाउअडेज. द एसटीडी का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. द एसटीडी फैसिलिटी हेल्प्स अस टू कॉन्टैक्ट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के दूसरे पार्ट्स में अगर हमारे कोई फ्रेंड्स रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करने का जरिया जो है वो क्या है, एसटीडी के थ्रू हम उन्हें कनेक्ट करते हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट करते हैं. द आईएसटी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग फैसिलिटी हेल्प्स अस टू टॉक टू पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड. और अगर दुनिया के किसी भी कोने में लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनसे हम आईएसटी के थ्रू बात करते हैं. द पॉपुलैरिटी ऑफ लैंडलाइन हैज़ डिक्रीज्ड विद टाइम एंड दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स. पहले क्या होता था चिल्ड्रन, ये जो हमारे घरों में लैंडलाइन होते थे, लैंडलाइन फोन्स होते थे, एक ही फ़ोन होता था जिसमें कि सबके कॉल्स आते थे. नाउ व्हाट हैज़ हैपन, ये लैंडलाइन रिप्लेस कर लिया है किसने, मोबाइल फोन्स ने. और मोबाइल फ़ोन हर एक के पास अपना एक इंडिविजुअल मोबाइल होता है. फाइन, these days smartphones are used that not only allow the user to make calls and send messages but many other things. और ये जो आजकल हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं ये केवल कॉल्स या मैसेज सेंड करने के लिए भी यही नहीं होता है, वी कैन डू मैनी अदर थिंग्स ऑन दिस फोन. देन कम्स द इंटरनेट. Computer in different parts of the country are linked together by the means of telephone lines. जो computers हैं अलग अलग parts में country के, वो link किस तरह से हैं, वो means of telephone lines से linked हैं. Okay? These are called networks. और इसे कहा जाता है network. These networks are further linked together by the means of a network of computers which is collectively called the internet. और ये जो नेटवर्क है, ये जो लिंक हुआ है, अलग अलग कंप्यूटर्स को लिंक किया जाता है, ये जो नेटवर्क है इसको फर्दर लिंक किया जाता है बाय मींस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है, उससे लिंक किया जाता है इसे, और इसे कलेक्टिवली कहा जाता है इंटरनेट. ऑल्सो वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं. इट गिव्स यूजर्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन any topic while sitting in the comfort of our homes. घर बैठे ही हमें इंटरनेट के थ्रू कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो हमें घर बैठे मिल जाता है. These days internet provides facilities for social networking, messaging and shopping of items without having to go to the market. Even आजकल तो हम इंटरनेट के थ्रू सोशल नेटवर्किंग, देन मैसेजिंग और इवन शॉपिंग भी कर सकते हैं. घर बैठे हम शॉपिंग करते हैं, जिस हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, मार्केट भी नहीं जाना पड़ता है, चीज़ें हमारे घर आ जाती हैं. सी एप्लीकेशंस दैट रन थ्रू इंटरनेट, यू मस्ट हैव सीन ऑल दीज एप्लीकेशंस ऑन योर मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन्स में देखे होंगे मैसेजिंग है, देन शेयरिंग है, देर आर मैनी थिंग्स, द मैसेज coming, then contacts are there, many applications are there. Email, it is called electronic mail. Email ka full form hai electronic mail. Email is a means of communication that is available through the internet. Aur ye kiske through available hai, internet ke through. Then comes the fax. Fax is a faster means of sending written messages through telephone lines. Telephone lines ke through written messages बहुत जल्दी ही भेजा जा सकता है फैक्स के थ्रू. द फुल फॉर्म ऑफ फैक्स इज फैसिमिली. दिस सिस्टम इज यूज्ड टू सेंड एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू समवन विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. बहुत कम टाइम में एग्जैक्ट कॉपी डॉक्यूमेंट की भेजी जा सकती है फैसिमिली के थ्रू, मीन्स फैक्स के थ्रू. दिस इज फैसिमिली फोन फैक्स. नाउ स्पॉट स्पेक्ट. Till now what we have read, let's just recall it.
डिफाइन एसटीडी फैसिलिटी. एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट वी हैव टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी. एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. नाउ व्हाट इज एसटीडी? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. और इसके थ्रू क्या होता है? वी कैन कॉन्टैक्ट विद दिस. वी कैन कॉन्टैक्ट थ्रू एसटीडी. वी कैन कॉन्टैक्ट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु लिव इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. नेम द टू इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स इन द कंट्री. दो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स कहाँ कहाँ हैं? मुंबई एंड कोलकाता. फाइन. डिफाइन कार्गो शिप्स. क्या होते हैं कार्गो शिप्स? जो कि गुड्स ले आते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, फार डिस्टेंस, फार ऑफ डिस्टेंस. विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स? लार्जेस्ट नेटवर्क रोड्स का कौन सी कंट्री में है? इट्स इन यूएसए. यूएसए हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स. नाउ लेट्स रीड अबाउट द रेडियो एंड टेलीविजन. रेडियो एंड टेलीविजन आर द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. ये मास कम्युनिकेशन का सबसे इफेक्टिव मीन्स है रेडियो एंड टेलीविजन. दीज कैन बी यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू इलिटरेट पीपल हु कैन नॉट रीड न्यूज़पेपर्स. जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ पाते हैं, उनको इंफॉर्मेशन कन्वे करने का ये बहुत बढ़िया साधन है रेडियो एंड टेलीविजन. फाइन. Radio is an audio medium, whereas television is an audiovisual medium. Radio में तो हम केवल सुन ही सकते हैं, लेकिन television में देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं. That provides coverage of events from all over the world. FM radio channels have become very popular in Indian cities nowadays. जो FM radio channels हैं वो बहुत popular हैं आजकल India में. Interpretation, the All India Radio for Akashvani was established in June 1936. Pehle radio mein Akashvani jo tha, All India Radio, that was established in June 1936. Now comes the newspapers and magazines. They form part of print communication. Ye print communication ka part hai. Which carry about news and events from across the world. चारों तरफ से world के across the world जितने भी news है और events होते हैं वो ये cover करता है. Print communication means newspapers and magazines. Interpretation, these days books are available in electronic format. Also with people can, which people can read on their computers, laptops, tablets and even on their mobile phones. आजकल जो बुक्स हैं, ई बुक्स बन गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ गया है, तो सब कुछ हमारे फ़ोन में ही अवेलेबल है, या हम कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, डेस्कटॉप पे, या टैबलेट्स पे, इवन अपने मोबाइल फोन्स में भी देख सकते हैं. AI facts. The world's leading airlines are already using artificial intelligence in aviation to improve operational efficiency. AI का यूज़ किया जा रहा है. लीडिंग एयरलाइंस जो हैं वो यूज़ कर रही हैं AI का, जिससे कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो, अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स एंड इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. जो कॉस्टली महंगी महंगी गलतियां हो जाती हैं, जिसमें कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो अवॉइड करने के लिए और कस्टमर्स को और ज़्यादा सेटिस्फाई करने के लिए एआई का यूज़ किया जा रहा है. नाउ द कैटलॉग. ऑडियो विजुअल यूजिंग बोथ साउंड एंड पिक्चर्स. Calamity, an event that causes great harm. Highways, क्या होते हैं highways? Main road for travelling long distances. Lagoons, a small area of fresh water near a lake or river. And port, a town or city by the sea where ships load and unload goods. Okay children, now a look over to this chapter. Transport refers to the movement of people, animals, goods and services from one location to another.
Transport plays an important role in economic development. Different means of transport include roadways, railways, waterways and airways. Ye hain different means of transport. Communication means sharing of ideas, views, information, facts, etc. with one another. Communication can be through letters, telephones, radios, televisions and newspapers. Radio and television are the most effective means of mass communication. Now, I am talking to you. मैं कुछ convey कर रही हूँ आपको, तो ये भी एक communication है, means of communication है. You'll watch this video and you'll be able to get the knowledge of this subject. So, this is also means of communication. Okay, I'm communicating with you. Now, children, the estimation corner. Choose the correct option. If you have to talk to your friend in London, which telephone facility will you use? आपका कोई friend London में है और आपको उससे बात करनी है, तो कौन सी facility use करेंगे इनमें से? STD, ISD, both of these, none of these. ISD. You'll use ISD, international है ना, London, out of India. The first train in India ran between Mumbai and Thane in कौन से ईयर में? 1853, 1856, 1875, 1900. It ran in 1853. Dash is the quickest means, Dash is the quickest and most direct means of communication. Internet, email, telephone, newspapers. Telephone is the quickest and most direct means of communication. Capitals and important cities are connected by. किससे connected होते हैं capitals और important cities? National highways, bridges, state highways, roads. They are connected through national highways. Exchanging ideas with each other is known as transport, communication, tourism, airways. It is known as communication. Fine? Now, we move further. Now, we come to fill in the blanks. Airlines can be dash and dash. Kitne tarah ki airlines hoti hain? Two. And what are they? Domestic and international. So, airlines can be both domestic and international. Okay, children? Fine? Radio is an dash medium, whereas television is an dash medium. Radio kaisa medium hai? Audio. It's an audio medium and television is an audio visual. Jisme ki hum sun bhi sakte hain, dekh bhi sakte hain. Audio visual medium. Dash facility helps us to talk to people in other parts of India. India mein hi alag alag parts mein jab hamare friends ya relatives rehte hain to unse baat karne ke liye kis facility ka use kiya jata hai? STD. STD. Humans use steam to dash trains and dash. Humans use steam to run trains and ships. Okay, now state whether the following statements are true or false. The fastest train in India is Vande Bharat Express. Yes, this is true. India has less than 5 ports. False. A boat travels faster than an aeroplane. False. Aeroplane is the fastest means of transport. Email is also understood as a postal service. False. It is not a postal service. Full form of fax is facsimile. Yes, facsimile. It's facsimile machine. True. Fine, children. Answer the following questions. What is the golden quadrilateral? अभी हमने पढ़ा था golden quadrilateral क्या है? किसे कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? इट्स द हाईवे
sorry. It's the highway network which connects the four metropolitan cities, Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. What is inland water transport? Inland water transport is the movement of goods and passengers from one place to another within the country through rivers and lakes. Write three functions of post office. Post office ke three functions kya kya hai? Firstly, it manages the mail deliveries, then offers financial services and provides postal retail services. Fine? Now, what do you mean by metalled road and unmetalled road? Metalled roads are the pakka roads and the unmetalled roads are the kacha roads. And rest of the description, you will find it in the lesson. Usko padhke describe kijiye. Write a note on radio and television. Radio kya hota hai, television kya hota hai, abhi humne is chapter mein padha hai. So, you can read them again and write it down. How is internet useful in communication? Internet aajkal kyun use kiya jata hai communication mein? Kaise use kiya jata hai usko communication ke liye? That also we have read. Just write it down too. Okay, I hope you have understood this chapter very well, because nowadays these things are very well used. Internet facility ke baare mein aapko bahut acche se pata hai, mobile phones ke baare mein bhi pata hai, and you have read about the airways, waterways also, kya kya means of communication hai aur kaun kaun se modes of transport hai. So thanks for watching this video. We'll meet again with something new and something more interesting. Till then, stay happy and stay blessed. Bye.